बकवास मत करो, मेरी बात सुनो। बकवास मत करो, जो कहना है कहो। बकवास मत करो, जो कहता हूँ वो करो। बकवास मत करो, नहीं तो मार खाओगे। बकवास मत करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। हे गाइस, दिस इज़ मुकेश। वेल, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करते हैं बकवास मत करो। इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं। अब इसको बेटर तरीके समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है बकवास मत करो, मेरी बात सुनो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डोंट टॉक नॉनसेंस, लिसन टू माय वर्ड्स। डोंट टॉक नॉनसेंस, लिसन टू माय वर्ड्स। यहाँ पर कमा आएगा, डोंट टॉक नॉनसेंस के बाद कमा, उसके बाद लिसन टू माय वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, बकवास मत करो, जो कहना है कहो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डोंट टॉक नॉनसेंस, से व्हाट यू वांट टू से। डोंट टॉक नॉनसेंस, से व्हाट यू वांट टू से। नेक्स्ट सेंटेंस, बकवास मत करो, जो कहता हूँ वो करो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डोंट टॉक नॉनसेंस, डू व्हाट आई से। डोंट टॉक नॉनसेंस, डू व्हाट आई से। नेक्स्ट सेंटेंस, बकवास मत करो, नहीं तो मार खाओगे। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डोंट टॉक नॉनसेंस और एल्स यू विल बी बिटन। डोंट टॉक नॉनसेंस और एल्स यू विल बी बिटन। और एल्स की जगह आप अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। डोंट टॉक नॉनसेंस, अदरवाइज यू विल बी बिटन, यानी तो आई विल बीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, बकवास मत करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डोंट टॉक नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ हियर। डोंट टॉक नॉनसेंस एंड गेट आउट ऑफ हियर। हे गाइस, इसी जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।